हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13C फ़ोन है, तो रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में होम स्क्रीन रोटेशंस है, तो होम स्क्रीन रोटेशंस को आप कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए होम स्क्रीन वगैरह को आप रोटेट कैसे कर पाएंगे, तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि होम ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शंस के जरिए होम स्क्रीन को रोटेट कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शोर हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाले आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स हैं ओपन हो जाएगी। तो आप कैसे होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और कैसे आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है तो आपके पास ये ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग्स पे जाकर आपके पास ये ऑटो रोटेट स्क्रीन ऑप्शन आ जाता है। इसको ऑन करके आप स्क्रीन को रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल में और आपकी जो फ़ोन की स्क्रीन है आपके फ़ोन में रोटेट हो जाएगी, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। एंड आप इसको ऑफ़ करते हैं तो आपकी होम स्क्रीन वगैरह रोटेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको ऑफ़ कर दिया। तो इस तरीके से भी होम स्क्रीन रोटेशंस को ऑन ऑफ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट भी आप कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में, और इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको ऑन करके आप स्क्रीन को घुमाते हैं तो आपका फ़ोन है रोटेट हो जाएगा और आपकी स्क्रीन भी घूम जाएगी। तो इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन को रोटेट भी आप कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस आपके फ़ोन में आ जाते हैं। जैसे आप टेक्स्ट साइज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, एंड आप फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज करना चाहें तो कर पाएंगे और इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें एंड वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो